नागफणी इलाके में गुरुवार रात तीन युवक और एक युवती को गंज थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। गंज थाना प्रभारी चेतना भाटी ने बताया कि नागफणी स्थित नाथ मंदिर पर तीन युवक और एक युवती पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा कर रहे थे। चारों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं इंदौर निवासी युवती के परिजनों को अजमेर बुलवाया गया है। पकड़े गए युवकों में फाईसागर रोड तेलियों के बगीचे का रहने वाला प्रदीप कुमार सोनी, गंज गुरुद्वारे के पास रहने वाला रोहित और छोटी नागफणी का कालू है। शुक्रवार को चारों को अदालत में पेश किया गया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। आज शाम को थाने पर इतना मिली कि नागफणी पर कुछ संदिग्ध तीन लड़के और एक लड़की संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं, जिनका आचरण संदिग्ध है और जो लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हो रखे हैं, जिस पर थाने से मुलाजमानों को भेजा गया। इन चार लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रदीप सोनी, रोहित और कालू राम, ये तीन लड़के हैं। रोहित और कालू ये दोनों आपस में मामे बुआ के बेटे भाई हैं और धोबी जात के हैं, और प्रदीप सिंधी जाति का है। तरन्नुम जो है ये लड़की इंदौर की रहने वाली बता रही है। इसने ये बताया कि कुछ दिन पहले इसको पुलिस थाना कोतवाली ने 151-109 CRPC में गिरफ्तार किया था और ये करीबन 15-20 दिन जेल में रहकर आई है। इसकी गिरफ्तारी की सूचना जब इसकी बहन मदीना को दी गई तो इसने बताया कि ये अपने घर से कुछ महीने पहले भाग के अजमेर आ रखी है। तो इसके माता पिता जो है वो अब जो भी इसके रिश्तेदार हैं वो इंदौर से ही आ रहे हैं। इनको कल ADM साहब की कोर्ट में पेश किया जाएगा।